हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सेट थ्योरी के आज का लेक्चर में हम आप सबका स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का रॉकिंग सेशन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यू नो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ऑपरेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे हमें जो दो सेट्स हम जो दो तीन जितने भी सेट्स के बारे में हम बात करेंगे वो सभी फाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं। सो इफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर such that their A intersection B equals to null set। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाऊंगा। सेट A में 1, 2, 3 है, सेट B में है यहाँ पर 4, 5, 6, 7। सो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो A यूनियन B में एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी मुझे क्या मिलेगा। सो डेफिनेटली यू कैन काउंट फ्रॉम 1 to 7। ओके, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 7। एंड अगर जो मैं सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे गिनूँ तो 3 मिलेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे गिनूँ तो मुझे 4 मिलेंगे। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, वी कैन से, राइट। तो अगर जो सेट ए और सेट बी में कॉमन कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट मिल रहा है ना, द नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अगर जो फाइनाइट सेट्स ए और बी कुछ इस तरीके से हैं, फॉर टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट, देन फिर क्या होगा? तो भैया नंबर ऑफ ए यूनियन बी यहां पर हमें मिलेगा, विल हैव द फॉर्मूला लाइक दिस, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ढूंढने का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सी एवरी टाइम इट इज नॉट इजी दैट यू जस्ट गो एंड फाइंड ए यूनियन बी। लाइक यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो वो ईजी हुआ। लेकिन अगर जो वही मैं आपको बताऊं कि सेट ए में 25 एलिमेंट हैं, सेट बी में मान लो 100 एलिमेंट हैं, और एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं ये मान लो आपको पता ही नहीं है ना, तो आप ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये ढूंढना चाहोगे, तो वो आपको फॉर्मूला से ही मिलेगा और अदरवाइज नहीं मिल सकता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये पता करना है तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको भी जरा एक बार टेक्निकली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो। ओके, चलिए तो इसको हम समझते हैं थ्रू वैन डायग्राम और डायग्राम मेथड।
ओके, सो लेट्स हैव अ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, ये सेट ए में है, ये सेट बी में है, ये यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, नंबर ऑफ, हमें ए यूनियन बी पता है, राइट, ए यूनियन बी क्या होता है, वी नो वेरी वेल, ए यूनियन बी होगा ये सारे के सारे तमाम एलिमेंट्स, तो यू हैव टू शेड द होल ए यूनियन बी रीजन लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मुझे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मिलेंगे। गॉट इट, समझ में आ गया आपको? चलो अब आप बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में यू कैन सी, राइट, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इट्सेल्फ, सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ बी भी आपको काउंट करना है, तो सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स यहां पे आएंगे, है ना। फिर से एक बार, सेट ए के सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन जो कॉमन पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन तो सेट ए में भी आ गया, सेट बी में भी आ गया, मतलब के कॉमन पोर्शन यहां पे हम दो बार काउंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, कॉमन पोर्शन हम यहां पर दो बार काउंट कर रहे हैं ना, वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टू टाइम्स, वी आर कंसीडरिंग इंटरसेक्टिंग पोर्शंस टू टाइम्स, नंबर ऑफ ए, सेट ए में भी हम ले रहे हैं, सेट बी में भी ले रहे हैं, सिंपल ऐसा ही कुछ हुआ, हाँ या ना। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल सब्ट्रैक्ट वन टाइम्स, तो जो रिजल्टिंग फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला हो गया ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स ढूंढने का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं इसी थॉट को एक और ढंग से देखना चाहूंगा, ओके, देखो आप बताओ, आप सोचो, मैंने ये बात आपको कर, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ है, सो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। सी, ये पोर्शन जो है ना, ये कौन सा पोर्शन है, ये है ए माइनस बी, ठीक है, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, राइट है, ओके। अच्छा, ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये बी माइनस ए है, राइट, इट इज बी माइनस ए, इन टर्म्स ऑफ रीजियन, सो दिस रीजियन इज ए माइनस बी, दिस रीजियन इज बी माइनस ए। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि ए माइनस बी में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, ये आप कैसे बता सकते हो? सो ए माइनस बी में देखो, समझो ये सेट ए, ठीक है, सेट ए में से कॉमन पोर्शन निकाल दो तो आपको ए माइनस बी मिलेगा, सो कैन वी से दैट नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल देते हैं, तो जो एग्जैक्टली एलिमेंट्स बचेंगे, जो एग्जैक्टली रीजन बचेगा, वो रीजन किसे रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट केस ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, सेट ए के तमाम एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो तो हमें एग्जैक्ट ए माइनस बी के एलिमेंट्स मिलते हैं। भाई सेम वे में बी माइनस ए को भी हम यहां पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ लुक एट दिस, मैं सेम जो ए यूनियन बी है ना, इस फॉर्मूला को मैं इससे भी जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, सी, यू कैन सी हियर दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज अ मिक्स पोर्शन ऑफ ए माइनस बी भी यहां पे आपको दिख रहा है, हाँ या ना,
ए यूनियन बी में ए माइनस बी भी दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी भी दिख रहा है, ये जो बीच में कॉमन पोर्शन है ये भी आएगा. सो दिस कॉमन पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी. यूनियन ये पोर्शन भी आएगा जो है बी माइनस ए. ओके, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस बी. सी ए माइनस बी के तमाम एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए के तमाम एलिमेंट्स. राइट स्टूडेंट, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस बी इज नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो भाई एक इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया. तो एग्जैक्टली हमें अब यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके स्टूडेंट्स, तो भाई ये हो गया यहाँ पर फॉर्मूला. सेट ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड करने का फॉर्मूला. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए सेट ए के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ बी सेट बी के एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया है. आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉब्लम समझते हैं, कुछ टर्मोलॉजी है वो समझते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी करिए, लिखिए. ओके चलिए, सो ओके ठीक है चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं इसी को हम आगे. कहाँ पे हैं हम, राइट ओके. तो अगर जो टू फाइनाइट सेट है ए एंड बी है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बट अगर जो तीन फाइनाइट सेट है तो क्या करेंगे, राइट है. अब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं.
ओके सो सेट ए सेट बी एंड सेट सी ए बी सी और ये है यूनिवर्सल सेट। ओके ठीक है चलिए। तो सेट ए में आप यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहे हो। ओके स्टूडेंट समझ में आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट सो फॉर थ्री फाइनाइट सेट्स ए बी सी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, देखो मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे, कैसे डिराइव करेंगे तो एक काम करते हैं ए यूनियन बी को ना हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, या ए रखो बी यूनियन सी को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू डी है ना। सो ये कुछ अब हमें ऐसे मिलेगा नंबर ऑफ ए यूनियन डी। ठीक है आई एम मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है आपको। ओके सो हमने क्या किया कि बी यूनियन डी जो दिख रहा है, बी यूनियन सी जो दिख रहा है उसको हमने यहाँ पे डी ले लिया। सो नंबर ऑफ ए यूनियन डी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, अच्छा अब ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी की तरह बन गया है ना। सो जैसा ए यूनियन बी में लगेगा सेम वैसे ही ए यूनियन डी में लगेगा फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ ए यूनियन डी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। ओके ठीक है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ डी, डी डी फॉर दिल्ली जिसमें है यहाँ पे बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ डी डी के बदले मैं पुट करूंगा बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है ओके देन नंबर ऑफ ए प्लस, अच्छा नंबर ऑफ बी यूनियन सी तो अगेन यहां पर फॉर्मूला पुट करो, अब फॉर्मूला बनेगा बी यूनियन सी में भी फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, अब ये जो दिख रहा है ना आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका हम क्या करेंगे देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है समझ में आया, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हम यहाँ पे अब लिखेंगे राइट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलो देन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब यहां क्या होगा पता है, यहां पे अगेन हम यूनियन ही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन हम क्या करेंगे कि हम ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को एक्स कंसीडर करते हैं और ए इंटरसेक्शन सी को वाई कंसीडर करते हैं। ओके सो इट इज लाइक नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो फॉर्मूला की आपको डेप्थ में समझ आएगी, ऊपर ऊपर से समझाऊंगा तो फिर रटने जैसा होगा एंड आई डोंट वांट दैट यू पीपल जस्ट रट्टा मारो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है सो ए इंटरसेक्शन बी को एक्स, ए इंटरसेक्शन सी को वाई हमने यहाँ पे कंसिडर किया। ओके सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ये जो है ना चलो एक काम करो ये लाइन यहाँ पे रहने दो
यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ रहे हैं, डू इट फास्ट। ओके चल, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी। ये जो एक्स यूनियन वाई है, यहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, बस तो अब खाली वैल्यू पुट, मतलब जो आपने टर्म्स लिए हैं वो यहां पर पुट कर दो। सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अच्छा नंबर ऑफ एक्स, एक्स हमने किसके लिए लिया था स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी के लिए लिया था, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। फिर वाई, वाई किसके लिए लिया था हमने स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी के लिए लिया था, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलो बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी हमें क्या मिलेगा? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, व्हाट विल हैव? चलो मैं इसको वापस आपको प्लॉट करके समझा रहा हूँ, रफ मतलब वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये ए, this is B and this is C. So A, B, C. अब समझने की कोशिश करना, A और B में कॉमन है ये A intersection B. A और C में कॉमन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये। अब आप बताओ A intersection B और A intersection C में क्या कॉमन है, है ना? फिर से एक बार, ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, सो दैट इज अ कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और सी का इंटरसेक्शन ये है, दैट इज अ कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो उसमें कॉमन है ये। अच्छा, ये कौन सा पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और कुछ नहीं बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ एक्स, एक्स के बदले ए इंटरसेक्शन बी पुट किया, नंबर ऑफ वाई, वाई के बदले ए इंटरसेक्शन सी पुट किया, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन आएगा वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके सो ये आई डोंट थिंक अब ज़रूरत है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट है, ठीक है। ए और बी का कॉमन ये है, ए और सी का कॉमन ये है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में भी, ए इंटरसेक्शन सी में भी, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं जो आपसे कह रहा था वो ये है कि बस अब कुछ नहीं, अब सारे के सारे टर्म्स हमें मिल गए जो चाहिए थे, बस इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखो। सो नंबर ऑफ ए आएगा पहले, बाद में आएगा नंबर ऑफ बी, फिर आएगा नंबर ऑफ सी, माइनस मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले लूँगा, सो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर आएगा माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर आएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, है ना, एंड माइनस माइनस प्लस, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लास्ट में आएगा। तो भाई ये जो मुझे फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है, ओके सो ये याद रखना, सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, इनफैक्ट पूरे का पूरा सेट थ्योरी का ये जो पोर्शन है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये पूरा प्रोबेबिलिटी में आप 2 साल पढ़ने ही वाले हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है कंपलसरी। सो मेरे साथ एक बार बोलिए मन में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए देन प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट में प्लस आएगा, इन तीनों की साइन माइनस आएगी और ये तीनों इंडिविजुअल टर्म्स की इंडिविजुअल सेट की साइन प्लस आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, अब हमें ये समझना है कि यार ये ए यूनियन बी कब फाइंड करना है, बी यूनियन सी कब फाइंड करना है, डायरेक्टली भी हमें क्या कहा जाएगा, ठीक है, ये अब हम उस पर चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक मिनट जरा, नंबर ऑफ ए डैश ये क्या बनेगा, तो बहुत सिंपल है यार, बेसिकली ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, राइट, वी कैन से वेर यू इज यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको ए के कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, सो ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, सो इन दैट केस नंबर ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए, राइट है, सो नंबर ऑफ ए डैश इज नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए, ओके नंबर ऑफ ए माइनस बी, अच्छा ए माइनस बी है क्या,
ए माइनस बी है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस सेट ऑफ ए एंड बी, राइट। और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट है। सो नंबर ऑफ ए माइनस बी इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम माइनस कर देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, देन सेम वे में नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सो नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ, अच्छा उसको मैं अगर जो सेम वे में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन ए डैश एंड दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट है। बी माइनस ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। ओके, सो ये बन गया यहाँ पर और एक फॉर्मूला। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसी में थोड़ा सा इसी के एप्लीकेशंस में, डैश के एप्लीकेशन में, कॉम्प्लीमेंट के एप्लीकेशन में जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी ये लिख लो, ओके चलो। सो आपको डी मॉर्गन याद है स्टूडेंट्स? डी मॉर्गन लास्ट लेक्चर में मैंने डी मॉर्गन एक्सप्लेन किया था, सेट थ्योरी का जो लास्ट लेक्चर था, है ना। सो ए यूनियन बी द होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डियर स्टूडेंट्स अगर जो कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश, तो आप क्या कहोगे? तो आप डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हो कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ए यूनियन बी द होल डैश मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश। ओके चलिए नेक्स्ट इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर जो कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे अब आपको कोई डिफिकल्टी होगी, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो दैट्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश। अब जो हमें इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है वो है टर्मोलॉजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। हम क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ए यूनियन बी पूछा है या ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है या ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, क्या पूछा है, राइट। देखो इसमें दो बातें हैं, एक तो हमें क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली दिए गए होंगे जहां पे आपको यही इंफॉर्मेशन है, तो चलो काम करते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा सा अभी यहां पे ब्रेक ले लेता हूं, मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं जिससे आप इसमें अपने आप को रिलेट कर पाओ, राइट। ओके, अदरवाइज आप अभी थियोरी 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 में ही आगे बढ़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगी। तो चलो हम पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सो और वो भी हम इलस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं, राइट है। इलस्ट्रेशन में है हमारे पास चलो इलस्ट्रेशंस में वैसे ज़्यादा नहीं है, एक भी नहीं है जिसमें डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ हो, थियोरिटिकल बेस है बॉस। हाँ, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट है तो क्यों ना वही देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट है डियर स्टूडेंट्स। देखो आपको समझ में आ जाएगा। सो
एक्सरसाइज 1.6 और उसका फर्स्ट सम. इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू 23 एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38, देन फाइंड नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. फाइंड नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो भैया इससे इजी सम इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में एक भी नहीं है. सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना. नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है. सो नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 38. अच्छा, नंबर ऑफ एक्स 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. 17 प्लस 23 इज 40 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. अब ये जो माइनस टर्म है उठा के राइट साइड ले जाओ, 38 उठा के लेफ्ट साइड ले लो. सो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 38, दैट्स 2. सो भाई हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, जो हमें आंसर चाहिए था वो मिल गया. नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है. अब हमें जाना पड़ेगा, थियरी में वापस जाना ही पड़ेगा, तब हम और आगे बढ़ पाएंगे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस एंड देन एक्सरसाइज के. सो 30 सेकंड्स, जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. तो देखिए, अब यहाँ पे आप सेट जो है ना, सेट को क्वेश्चन जो है वो थियोरिटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, है ना. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया गया है लेट्स से सब्जेक्ट का, ठीक है. तो सब्जेक्ट को यहाँ पर आप सेट कंसीडर करोगे. क्या कंसीडर करोगे? सेट. तो इफ सेट ए और सेट बी, क्वेश्चन में कहा है सेट ए और सेट बी, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं ए यूनियन बी की. देन सेट ए एंड सेट बी, तो भी आपको तुरंत तो आपको समझ जाना है हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी की. एटलीस्ट वन सेट ऑफ ए बी, कम से कम सेट ए बी में से एक, कम से कम एक सेट, ज्यादा इजी रहेगा, कम से कम एक सेट, तो भी आपको समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी की, ठीक है. ओके, सिमिलरली सेट ए
और बी और सी, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी की, एटलीस्ट वन सेट ऑफ ए बी सी, तीनों में से, तीनों सेट में से कम एक सेट। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी की। सेम वे में, अच्छा अगर जो आपको ये कहा जाए ओनली सेट ए नॉट सेट बी, ठीक है, मतलब कि दो सेट हैं सेट ए और सेट बी, लेकिन उसमें से सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझ रहा हूं यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, राइट। तो जब इस तरीके की वर्डिंग यूज हो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हम ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। सेम वे में ओनली सेट बी नॉट सेट ए, तो आप ऐसे लिखना चाहो तो कैसे होगा, क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ओनली, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ओनली। तो हम यहां पर बोलेंगे बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए डैश, और फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ बी माइनस ए का, ठीक है, ओके लिख लो, राइट डाउन एंड मेक इट फास्ट। ओके चलो, देन फिर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, तो देखिए, और मतलब सी जितने हो सकते थे टर्म्स हमने यहां पे थ्योरेटिकल वर्ड्स हमने यहां पे इंक्लूड किए हैं, एक 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 और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो अगर जो आपको कहा जाए वो कहता है ना इंग्लिश में नाइदर दिस और दैट, नाइदर दिस नॉर दैट, हाँ, सो ना तो ये ना तो वो, कोई और, ठीक है, ना तो ये ना तो वो, सो नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, ओके, सो इसको हम कैसे समझेंगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है जब मैं ये कहता हूं ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, ठीक है, नॉट ए एंड नॉट बी, तो दिमाग में क्या आ रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं ए भी नहीं मतलब ए डैश एंड, एंड लगेगा तो हमेशा इंटरसेक्शन आएगा, एंड बी भी नहीं मतलब बी डैश, so we are talking about a dash intersection b dash which is actually a union b the whole dash। तो हमेशा याद रखो dear students के जब भी आप neither this nor that, neither a not nor not neither a not b, nor यहाँ पे लगा दो, तो जब भी आप इसके बारे में बात कर रहे हो ना, तो always remember that we want to find a union b the whole dash, ठीक है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश के बारे में बात कर रहे हो, एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश इज नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ओके
सो चलो एग्जाम्पल 23 से स्टार्ट करते हैं. इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू 50. कंफर्म हो गया. एक्स हैज 28 एलिमेंट, सेट एक्स में 28 एलिमेंट है एंड वाई हैज 32 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू 32. हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव? सो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला पहले लगाइए आप. नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. देन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज 50, यहाँ पर 28 प्लस 32 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 28 प्लस 32, आई थिंक दैट 60, राइट? 60, और 50 उठा के लेफ्ट साइड ले लो, 60 में से 50 गया, 10 बचा. सो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 10. ये हमारा आंसर है. देन एग्जाम्पल 24. In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. So, 20 teachers who teach maths or physics. अब भैया और वर्ड आया ना, तो और से आपको क्या समझ में आ रहा है? So, और से आपको समझ में आ रहा है कि हम यहां पे यूनियन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन. ओके, सो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स अथवा फिजिक्स पढ़ाते हैं? अथवा मतलब यूनियन, एंड मतलब जोड़ना, अपने गुजराती में बोलेंगे अने. ठीक है, सो 20 टीचर्स टीच मैथ्स और फिजिक्स. तो चलो सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी यहां पर ले लेते हैं. तो सेट ए हो गया, सेट ए टीचर्स हु टीच मैथ्स, सेट बी टीचर्स हु टीच फिजिक्स. सो और का मतलब हुआ ए यूनियन बी. तो यहां पे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हुए? 20. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 20. ठीक है, और कौन सी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स. सो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, राइट? है 12 टीच मैथ्स. सो टीचर हु टीच मैथ्स. सो नंबर ऑफ ए का डेटा यहां पे दिया है 12. अच्छा, एंड जो दोनों ही पढ़ाते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये डेटा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का. तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई जब दोनों आएगा ना, दोनों मतलब ए एंड बी दोनों, तो इसमें हमेशा इंटरसेक्शन लगेगा. सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 4. ठीक है, सो नंबर ऑफ ए 12, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 20, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4. सारे डेटा है हमारे पास, बस खाली फॉर्मूला लगाने की देरी है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी में फॉर्मूला लगा दो डियर स्टूडेंट. नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 20. अच्छा, नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 12, नंबर ऑफ बी, वही तो हमें पता करना है ना? अपने क्वेश्चन में देखा, पूछ समझा लास्ट में क्या लिखा है? हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कितने हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं? फिजिक्स मतलब बी,
सेट बी, तो सेट बी का डेटा यहां पर पूछा है, नंबर ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू फिजिक्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ बी हमें यहां पे पूछा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, बस अब कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ बी यहां पर ढूंढ लो, 12 में से 4 गए 8, 8 उस तरफ चला जाएगा, 20 माइनस 8 इज 12, तो हमें नंबर ऑफ बी की वैल्यू मिल गई 12, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, जल्दी लिखो। ओके चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 25। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले सो एग्जांपल 25 इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अच्छा टोटल 35 हैं ये हमें यहाँ पर पता चला। सो टोटल मतलब यूनिवर्सल, सो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यू इक्वल्स टू 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो दो सेट बनेंगे, एक क्रिकेट का बनेगा और दूसरा है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो मतलब दूसरा सेट बनेगा फुटबॉल का। सो सेट ए में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स Who like cricket and यहां लिखेंगे students who like football, ठीक है। So number of A, so cricket में कितने हैं यहां पे 24 हैं, number of B football में कितने हैं यहां पे 16 हैं। ऑल्सो इच स्टूडेंट, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, इच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलता ही है, खेलना चाहता है, ठीक है, खेल रहा है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एक भी गेम ना खेले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एम आई मेकिंग सेंस, डेफिनेटली आप समझो, यहां पे भाई हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेल रहा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा स्टूडेंट्स, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि हमें जो यूनियन कहा है, हमें यूनियन जो कहा है कि भाई कुल मिला के 35 स्टूडेंट्स हैं, तो ये डेटा किसके लिए दिया है, ये डेटा दिया है ए यूनियन बी का। सो नंबर ऑफ यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 35। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ये क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन इस तरीके से भी दी जाएगी, जब आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि इस यूनिवर्सल यहाँ पे ये ए यूनियन बी जब मैं लिख रहा हूँ, सो बाहर यूनियन के बाहर कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है ही नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है, तो मैं यही तो कहूंगा ना कि यू इक्वल्स टू ए यूनियन बी। सो दिस इज द पॉइंट कि यहां पर यू की वैल्यू, यू जो है वो क्या है, यू है ए यूनियन बी। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 35। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब हमेशा दिमाग में रखना, बस आगे अब कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो आई गेस कि अब आपको समझ में आ गया है, आपको क्या फाइंड करना है, लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड 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 मतलब कनेक्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, मतलब
इंटरसेक्शन आएगा. सो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो. नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 35. डेटा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी यहाँ पर पुट कर दो, आसानी से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल जाएगा. ठीक है, ओके. सो ये हो गया यहाँ पर इसका लॉजिक. एंड लास्ट एक 26 देख लो अब आप 26, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के सब नेक्स्ट लेक्चर में. और फिर भी मैं आपको ये एक्सरसाइज के सब होमवर्क में भी दे रहा हूँ, आप होमवर्क में ट्राई करिए ना, आपसे हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है. सो एग्जांपल 26 है, लास्ट सम देख लेते हैं जल्दी जल्दी.